सो स्टूडेंट्स रेडी? ओके, तो यहाँ पे दिखाई देता है पिक्चर, किसका पिक्चर है? चरखे का. ओके, तो ये चरखा दिखाई देता है आपको. तो ये चरखे का क्या होता है? चरखे का छ. ओके, दिखाई देता है, आपने ये पिक्चर तो देखा ही होगा. हमारे जो गांधी बापू थे उनके पास ये चरखा था. ओके, तो चरखे का छ. ओके, चलो फिर यहाँ पे लिखा है छ, दिखाई देता ना यस. फिर च र खा, तो च ये डॉट वाला, जो डॉट्स वाला च है ना, उसे आपको कंप्लीट करने का है. ओके, और चरखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिनिंग व्हील. ओके, चलो आपने च तो पहचान लिया ना. ओके, तो च पहचान कर सर्कल बनाओ. तो यहाँ पे नीचे कुछ व्यंजन दिए, इनमें से आपको च पहचानने का है और इसके ऊपर क्या करने का है? सर्कल करने का है. यहाँ पे कौन सा लेटर है? च. तो क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे. ग है तो नहीं करेंगे, ट है, च है, न है, त है, च है, ल है, स है, च है, ज, ग, आगे ना आगे, यस, च. ओके, अरे ख, ख भी आ गया है. ओके, तो हमें सिर्फ च को ही सर्कल करने का है, तो हमने ये च के ऊपर सर्कल कर दी. ओके, अब नेक्स्ट जाते हैं पढ़ो, यानी कि रीड. च, वर्ण में रंग भरो, यानी कि जो वर्ण भी है इसमें आपको क्या करने का है? कलर करने का है. च में बिंदुओं को मिलाओ, ये जो नीचे डॉट्स दिए उसे मिला के आपको च को कंप्लीट कर देने का है. ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ो और लिखो. तो यहाँ पे च दिया है, तो ये बाजू में डॉट्स वाले दिए हैं ना, तो डॉट्स वाले च पहले कंप्लीट कर देने के पूरे. ओके, फिर बाद में यहाँ पे च लिख देना, यहाँ पे भी च लिख देना, नीचे भी ऐसा ही है, तो ये आप कंप्लीट कर देना पूरा, च लिख देना. ओके, चलो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज की ओर. यहाँ पे दिया है च को च से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो. Join च with the pictures which begin with the letter च. जो पिक्चर है उसका जो वर्ड है उसकी शुरुआत च से होती है, तो आपको जो बीच में दिया है च उसको इस पिक्चर के साथ मैच करने का है. फर्स्ट पिक्चर है किसका है? चरखा, दिखाई देता ना चरखा. तो चरखा का फर्स्ट लेटर कौन सा होता है? च. ओके, तब हम क्या करेंगे? इसे मैच कर देंगे. चलो नेक्स्ट चम्मच, तो चम्मच की शुरुआत भी च से होती, सेम सेम है कि नहीं? यस, तो हम मैच कर देंगे. ये तो सैनिक है, च नहीं है, कबूतर है, चटाई है, चटाई को हम क्या करेंगे? मैच कर देंगे. च से शुरुआत होती है ना इसके, यस. फिर चपरासी है, उसको भी हम मैच कर देंगे क्योंकि इसकी शुरुआत च से होती है. हमारे खरगोश है, खरगोश की शुरुआत ख से होती है. ओके, हम मैच करेंगे नहीं. बाजू में लिखा लिखा है कि च के नीचे रेखा खींचो, या फिर जितने भी च है इसके नीचे क्या करने का है? रेखा खींचने की, यानी कि अंडरलाइन च. तो च के नीचे अंडरलाइन करने की ना च, च यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे. क ट हल, यहाँ पे तो च ही नहीं है तो नहीं करेंगे. च मेली, तो इसके नीचे करेंगे च के नीचे. च तूर, तो यहाँ पे च है तो च के नीचे करेंगे. च ना, च के नीचे. च रण, हमने कर दिया ना. ओके, चलो च से अलग वर्णों को क्रॉस कर. तो यहाँ पे च से जितने भी वर्ण अलग है इसके ऊपर क्या करने का है? क्रॉस करने का है. तो यहाँ पे च है ना,
नहीं करने का है, इसके अलावा जो भी वर्ण है इसके ऊपर क्रॉस करने का है, चोर तो नहीं करने का यहाँ पे। ओके, व है, ज है, ब, ग, क्ष, स, बाकी च ये रहा, च ये रहा, ये कितने हैं चो, एक दो तीन चार पाँच छः च बाकी है। ओके, इसके अलावा जितने भी वर्ण हैं इसके ऊपर हमने क्रॉस किया। नेक्स्ट पढ़ो और लिखो, पिक्चर दिखाई दे आपको ये चपरासी। ओके, तो चपरासी तो यहाँ पे चपरासी लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो बाकी है दोनों में आप एक काम करना कि डॉट्स वाला चाह कंप्लीट कर देना और ये पिक्चर लिख देना। ये पिक्चर है चम्मच का, तो चम्मच में भी यहाँ पे पूरा चम्मच ऊपर लिखा है, तो वैसा ही जो नीचे आपको लिख देने का है, डॉट्स वाला है पहले मैच कर देने का है, फिर नीचे चाह लिख देने का है। फिर नेक्स्ट है चट्टाई का, तो चट्टाई है तो यहाँ पे भी चौ है, तो इसे चौ लिख देना और यहाँ पे चट्टाई का चौ कंप्लीट कर देना। फिर ये क्या है, चरण, चरण है। ओके, जो हम पैर बोलते हो, तो चरण को का चौ होता है ना, तो यहाँ पे भी चौ कर देना और यहाँ पे भी। चलो नेक्स्ट, शब्द में से चौ पहचान कर सर्कल बनाओ। किसको पहचानने का है भाई, चौ को, और क्या करने का है, सर्कल। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया है कि चौ टॉनी, तो चौ के ऊपर हम सर्कल करेंगे। ओके, तो किया ही है फर्स्ट। तो सेकेंड है ब च ना, तो ये चौ है तो चौ के ऊपर सर्कल कर देंगे। ना चौ, तो यहाँ पे भी चौ के ऊपर सर्कल, चौ मिली इसके ऊपर भी सर्कल। ओके, तो आपने देखा कि आज देखा चौ, तो चौ चरखे का देखा ना, तो एक काम कर देना है, टेक्स्ट बुक में पूरा कंप्लीट कर देने का और टेक्स्ट बुक में चौ है वो पूरा पेज लिख देने का। ओके, सो थैंक यू।